दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे गुलब्रांसन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड में जो वैकेंसी निकली है उसकी, साथ ही साथ कुछ वैकेंसीज और निकली हैं तो उनकी भी बात करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर बने रहिए। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस तरीके की वैकेंसीज और वर्किंग इंटरव्यूज रिक्रूटमेंट्स कंटिन्यूस यहाँ पर लाते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके की चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कोई लेटेस्ट वॉकिंग इंटरव्यू अटेंड करना है तो आप हमारे वीडियो ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है असिस्टेंट ऑफिसर और ऑफिसर के लिए निकली है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है। दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मांगा है 3 से 8 ईयर का मांगा है, 2 वैकेंसीज है वर्कआउट बड़ौदा लोकेशन के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं वो 26 तारीख का शेड्यूल कर रहे हैं, थर्सडे का, ठीक है। आपको जो 3 से 8 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए वो प्रोडक्शन ऑपरेशन एक्सपीरियंस चाहिए जो केमिकल पेट्रोकेमिकल फार्मा और फर्टिलाइज़र में होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप अगर अटेंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं 02662229135। दूसरा नंबर भी दिया हुआ है 9974628255, ठीक है। तो आप इस नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको अटेंड करना चाह रहे हैं तो आप इनसे बात करके ही यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। ये कोई वॉकिंग इंटरव्यू नहीं है, यहाँ पर सीधा लिखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी हुई हैं, ठीक है। बात आती है दोस्तों यहाँ पे कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो यहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री और डिप्लोमा केमिकल वालों के लिए वैकेंसीज है और यहाँ पे एमएस और एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों जो दोस्त यहाँ पे किसी कारणवश पहुँच नहीं पा रहे हैं वो लोग मेल आईडी पे अपना सीवी फॉरवर्ड कर सकते हैं hpshah@gulbrandsen.com। तो यहाँ पे दोस्तों आप अप्लाई भी कर सकते हैं और जो अटेंड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे अपना कॉल करके 26 तारीख के जिससे जुड़ रख रहे हैं और ये वॉकिंग इंटरव्यू है नहीं तो साथ साथ और बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सऊदी अरबिया के लिए जो प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइज़र के लिए वैकेंसी, डिग्री MBA मांगा हुआ है, प्रोडक्शन ऑपरेशन से 5 ईयर का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए डिग्री इलेक्ट्रिकल से मांगा है एंड इलेक्ट्रॉनिक 5 ईयर एक्सपीरियंस। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी जहाँ पे डिग्री मांगा हुआ है 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ऑपरेटर के लिए वैकेंसी ITI डिप्लोमा 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है जो PPPS और PET के से सीट से होना चाहिए। दोस्तों तो यहाँ पर और ऑपरेटर्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट है जो फाइनली जो QC के लिए है, तो QC यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा, मैकेनिकल टेक्नीशियन या डिप्लोमा डिग्री ITI 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन सन डिप्लोमा डिग्री ITI 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर मल्टी डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज है, यूटिलिटी के लिए है, CNC के लिए है, जो यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री मांगा हुआ है, ITI मांगा है, प्रोडक्शन प्लानिंग डिग्री 3 से 5 ईयर एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको अटेंड करना है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 24 और 25 तारीख का शेड्यूल रख रहे हैं नंबर एक, और अगर आपको अटेंड करना है तो नीचे मेल ID दिया हुआ है जिस पर आप अपना CV मेल कर दीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फूड कंपनी की। तो यहाँ पर दोस्तों अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है, फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल EEE प्रोडक्शन से मांगा है, लेकिन यहाँ पर केवल 18 और 19 के पास आउडी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो यहाँ पर पूरा आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है 24 तारीख का ये शेड्यूल रखा है इन्होंने 8:30 बजे से, तो ये लास्ट डेट है, मतलब
रजिस्ट्रेशन क्लोज भाई मतलब 9:30 बजे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। अगर आप अटेंड करना चाह रहे हैं दोस्तों तो इनका ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साइन यहाँ पर दोस्तों यूटिलिटी ऑफ मेंटेनेंस एपीआई, यहाँ पर बीटेक मैकेनिकल डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर डिप्टी मैनेजर के लिए 8 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर नीचे दिया हुआ है sundee.m@sainlife.com में, इस पर अपना CV फॉरवर्ड कर दें। नेक्स्ट जो वैकेंसी है जो दोस्तों यहाँ पे BSc और MSc केमिस्ट्री वालों के लिए, तो अगर आप अटेंड करना चाहते हैं दोस्तों ये मार्केटिंग के लिए है, तो मेल आईडी दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इस मेल आईडी पे अपना CV फॉरवर्ड कर दें। नेक्स्ट जो दोस्तों वो देखिए इन्वायरमेंट इंजीनियर, जहाँ बी और M.Tech मांगा हुआ है इन्वायरमेंट से, केमिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 30 वैकेंसीज है यहाँ पर, 40,000 रुपये सैलरी रखा गया है। सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी जो पी और ME करे हुए हैं M.Tech, मतलब सिविल इंजीनियरिंग से 40,000 रुपये 12 वैकेंसीज है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरा प्रोसेस समझाया गया है, मेल आईडी दी हुई है, कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं देखिए इंटरव्यू शेड्यूल डेट सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर फाइनली, तो देखिए पूरा ऊपर दिया हुआ बेंगलुरु कॉन्टेक्ट नंबर है, 10 से 12 रजिस्टर कराना है। तो दोस्तों आप कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पर ये क्राइटेरियाज हैं, तो 70% होना चाहिए ऊपर जो इन्वायरमेंट के लिए, 60% होना चाहिए सिविल के लिए, 70% होना चाहिए, 35 ईयर एज लिमिट रखा गया है। तो ये चीज़ आपके क्राइटेरिया में आना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों प्रोडक्शन केमिस्ट के लिए, तो यहाँ पर 28 तारीख का शेड्यूल रख रहे हैं और यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, तो वैशाखा में होने वाला है। पूरा एड्रेस तो आपके सामने ही है। यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन में BSc केमिस्ट्री मांगा है, 60% के साथ आना चाहिए। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटन टेस्ट होगा आपका, और आपका एक पर्सन वो डिस्कशन होगा, उसके बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर पोजीशन इंजीनियर के लिए जो प्रोसेस मेंटेनेंस, 2 से 5 ईयर एक्सपीरियंस, और दूसरा है प्रोडक्शन के लिए जहाँ पर BE, BTech, MSc मांगा हुआ है, ठीक है, 3 से 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो दोस्तों यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल आईडी आपके सामने 28 तारीख का होने वाला है, वॉकिंग इंटरव्यू, एड्रेस आपके सामने जो हैदराबाद लोकेशन में होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू लोकेशन हैदराबाद, जॉब लोकेशन बेंगलोर। तो एक से MSc चाहिए यहाँ, 1 से 4 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल अलग अलग रखे गए हैं, जो CV भेजना चाहता है उसके लिए मेल आईडी सामने, कॉन्टेक्ट नंबर, तो यहाँ बात करके आप इसे अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से टाइम मिल पाए।